स्वयं हमारे साथ विधायक प्रशांत ठाकुर साहब हैं। हम चाहेंगे कि उनसे हम पनवेल के विकास को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि या पनवेल के विकास को गति देने के लिए किस तरह के आपके जरिए प्रयास हो रहे हैं और किन किन प्रयासों की और जरूरत है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पनवेल कॉरपोरेशन का निर्माण 2016 अक्टूबर में हुआ और तब से लेकर उससे पहले भी हमने पनवेल कॉरपोरेशन की मांगी इसके लिए की ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारा कुछ काम करे। हम भाग्यशाली है, गणेश देशमुख जी ने 2 साल पर यहाँ पे काम करते हुए कई सारी चीजों की शुरुआत की है। उम्मीद करता हूँ कि उनके माध्यम से काम आगे चलते रहेंगे। आज पनवेल के क्षेत्र की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़े, यहाँ की जो जरूरत है उनको समझने वाला बंदा उसके ऊपर काम करते रहे और उतने में ही अगर ये तबादले होते रहे तो उसका जाहिर से असर उस शहर के होगा। तकरीबन 15 से 16 लाख की आबादी पनवेल मनपा क्षेत्र की हो गई है और जो अगर कर्मचारियों के हिसाब से देखा तो सिर्फ 700-750 कर्मचारी ही यहाँ पे काम करते हैं। आपने उसके लिए आकृति बंद की मांग थी, स्टाफ पैटर्न भी आपने डिमांड की थी, इसकी कहाँ तक बात पहुंची है सर? स्टाफिंग पैटर्न अगर मंजूर ना हो तो उसका नुकसान खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है उस शहर के डेवलपमेंट को। और हम यही होते हुए देख रहे हैं कि फिर टेम्पररी लोगों के दम पर कितना चला जाए, तो उसकी वजह से ये स्टाफिंग पैटर्न जल्द से जल्द मंजूर हो। आप सिडको के चेयरमैन भी रह चुके हैं, बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र को लेकर, नई सरकार ने उन चुनौतियों को एड्रेस करने की कोशिश की है, उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास किया है क्या? अगर नहीं हुआ है तो आगे आपकी रणनीति किस तरह की होगी? नई सरकार तो अपने में ही इतने उलझे हुए हैं कि मैं तो उम्मीद नहीं कर पाता कि इनसे कुछ हो पाएगा। इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते भले सिडको के अध्यक्ष ना हो, हम इन समस्याओं को अलग अलग फ्रंट पर लाते आए हैं, अब तक आने वाले समय में भी लाते रहेंगे। पर एक डायनामिक विजन जो देवेंद्र फडणवीस जी की थी और जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी की जो काम करने की जो पैशन है उसके थ्रू जो प्रगति का उनका इनका फॉलोअप लेना और उसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट का फॉलोअप लेना, ये जो हम बार बार देखते थे पिछले समय में सरकार के, इसमें तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। ये लोग अपने आप में ही इतने उलझे हुए हैं कि और कहीं देखने को इनके पास कोई फुर्सत नहीं। पनवेल की तस्वीर को आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, कोरोना के चलते जो स्लोडाउन आ गया है उसकी वजह से शायद फाइनेंस में दिक्कत आ जाए और उसकी वजह से कुछ हद तक तो असर होके रहेगा और उसके आधार के ऊपर लोगों की जो समस्याएं हैं उन कामों में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, ये कोशिशें मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन या अलग अलग एंटरप्राइजेस कर सकती। आपका जो क्षेत्र है, जो पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र है, पनवेल विधानसभा क्षेत्र है, उसे विकास को फिर से गति मिले, आप किस तरह से लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, लोगों को क्या करना चाहेंगे सर? मैं तो आपके माध्यम से सभी पनवेल क्षेत्र के लोगों से यही आह्वान करूंगा कि हम सभी आज जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं इसमें हम एक दूसरे की मदद करें, अपने आज की स्थिति में भी लोगों को कुछ देने का प्रयास करें। अब हम खुद तो खड़े रहे, उसके साथ साथ लोगों को भी खड़े रहने के लिए, आज उनको भी इस देश के विकास के पहिए को दौड़ाने के लिए सभी को साथ साथ लेकर चलते रहें। आत्मनिर्भरता की ओर ये हमारा जो कदम है ये कदम कामयाब होके रहेगा, आप सभी का साथ इसी तरीके से मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो जैसा कि देखा आपने पनवेल के भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर साहब, ये उनका एक ही मिशन है कि पनवेल समृद्ध और सुरक्षित बने। उम्मीद करते हैं कि पनवेल की जनता जो है, पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र और रायगढ़ की जनता जो है, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जरूर चलेगी। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।